अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जवाब शाह व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए हुसैन मोटर्स पे पहुँचे हैं वो है होंडा वेमस 2013 मॉडल और 2018 की इंपोर्ट है, जो कि कैरी में आती है और ये जापानी है। और इसकी प्राइस जो है वो मैं आपको ऑफकोर्स एंड पे बताऊँगा। और आप मुझे जल्दी से सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो कर लें कोई भी बात पूछनी हो तो। इसके अलावा जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, आई कार्ड में उसका लिंक आ जाएगा। और उसकी प्राइस जो है वो मैंने आपको बताई है, इसकी प्राइस मैं आपको इंशाल्लाह एंड में बताऊंगा। और मुझे कुछ कमेंट आए थे अभी जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें प्राइस के बारे में कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैं जो आपको प्राइस बताता हूँ वहाँ पर यहाँ पर उसकी प्राइस जो है वो डिमांड की जाती ही है। जो कोई गाड़ी में इंटरेस्टेड होता है वो अपनी ऑफ़र बताता है आके, अगर शोरूम पर आ जाता है या कॉल करता है, अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो अपनी ऑफ़र बताता है कि मुझे ये गाड़ी इतने में नहीं इतने में चाहिए। तो अगर शोरूम वालों को वो प्राइस उसकी मुनासिब लगी और उन्होंने देनी हुई गाड़ी, तो वो उनको दे सकते हैं गाड़ी। समझ तो गए होंगे, नहीं समझ आई तो ऑफ कोर्स फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया और आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको मैं डिटेल से बताऊँगा डिटेल से। और बस फिर अगर आप ये गाड़ी अगर आपको अच्छी लगे जो जिसका मैं रिव्यू स्टार्ट करने लगा हूँ, तो बस फिर आप लेने के लिए और लेने के बाद समझ आ गई। तो बस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ होंडा वेमस। ओके गाइस, तो मेरा नाम है जवाद शाह और मैं आप लोगों के लिए आज जो रिव्यू कर रहा हूँ वो है होंडा वेमस, जो कि जापानी है। और जहाँ तक मैंने इस गाड़ी के ऊपर रिसर्च की है, देखा है, चलाई है, तो ये गाड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। अभी आप लोगों को इसका टोटल रिव्यू मैं बताता हूँ। इसी के साथ आप इसकी जो है ग्रिल देखें, होंडा का लोगो, हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। इसी के साथ इन्होंने एक यहाँ पे दिया है ये शॉवर, जो कि बोनट के ऊपर ही है। एक ही शॉवर है, बहुत है क्योंकि आगे से स्क्रीन भी इतनी ही है। और ये आप लोग आगे देखें जी, इसके टायर, इसके जो हैं दो दरवाजे हैं दोनों साइडों पे, एक ये है और एक उस साइड पे है, ये दोनों डोर्स हो गए। बैक से अगर आपको मैं दिखाऊं, बैक जो लाइट्स हैं ये आप अगर देख रहे हैं तो मुझे इनका जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगा है। और ये देखें तो ब्रेक लाइट है, बैक वाइपर दिया हुआ है। और इसके अलावा इसकी जो है ज़्यादा तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताता बाहर से, अभी आपको मैं गाड़ी के अंदर लेके जाता हूँ। ओके गाइस, तो ये है जी होंडा वेमस की चाबी और ये इससे आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं। अच्छा फीचर दिया है, अगर आपके पास ये लॉक अनलॉक के लिए नहीं है तो ऑफ कोर्स आप की से भी इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर से मैं आपको पहले इसका दिखा दूं। और ये जो है इसका ओल्ड स्कूल जो है सीट एडजस्टमेंट है, ये देख रहे हैं आप, ये देखें। और सीट को आगे पीछे करने के लिए भी इसका ये ओल्ड स्कूल दिया गया है। ओके गाइस, तो अभी हम बैठे हुए हैं, होंडा वेमस 2013 मॉडल है और 2018 की इंपोर्ट है, अप्लाइड फॉर है, इसका नंबर अभी तक नहीं लगा हुआ। प्राइस इसकी मैं आपको एंड पे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें इसकी प्राइस जानने के लिए और इनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, नंबर भी आपको मैं एंड पे बताऊँगा। सबसे पहले ये थ्री स्पोक स्टेयरिंग इसका, और इसमें एक SRS बैग ड्राइवर साइड पे और एक SRS बैग पैसेंजर साइड पे दिया गया है। इसके अलावा ये तो हेडलाइट ऑन ऑफ डिम लाइट्स के लिए, ये जो है वाइपर्स के लिए, ये आप इसका मीटर देख सकते हैं। डैशबोर्ड जो है ऑफ कोर्स इसका छोटा ही होना है क्योंकि ये कैरी टाइप है, जो जितने भी कैरी होते हैं उनका डैशबोर्ड छोटा होता है। लेकिन इस और बाकी जो पाकिस्तानी कैरीज हैं उनमें SRS बैग नहीं दिया गया होता, लेकिन इन्होंने SRS बैग दोनों साइड पे दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको इसका कंपार्टमेंट दिखाऊं, तो छोटा है कंपार्टमेंट लेकिन ठीक है। एसी विंड्स की बात की जाए तो ये इसके एसी विंड्स दिए गए हैं जो कि अच्छे हैं इस गाड़ी के हिसाब से। यहाँ पर कॉइन्स या पैसे, मोबाइल, कुछ भी रखने के लिए आप इधर रख सकते हैं, ये उसके लिए है। ये भी एसी विंड्स की हैं, ये भी एसी विंड्स हैं। ये
अब आपको मैं थोड़ा पीछे से दिखाऊं इसका इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। जैसे ही गाड़ी कल यहाँ पे पहुँची है तो फ़ौरन इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो चेंज करवाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इस साइज़ में जो है वो अभी कल आएगा तो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगेगा और आते साथ इस गाड़ी ने सेल हो जाना है। मे बी आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए अभी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ये जो है इसका जो है बाकी ओल्ड जो है गाड़ियों की तरह इसका दिया गया है जो है कंट्रोल एसी का ऑन ऑफ, और इसको आप हीटर पे करना हो या एसी पे ही रखना हो, और ये विंड्स का जो है रेडिएटर की विंड्स को ऑन ऑफ करने के लिए एसी का बटन है, और ये जो है दोनों इशारे यूज़ करने के लिए जो है, और ये डीफॉगर दिया गया है बैक साइड के लिए डीफॉगर, और ये एसी पे दोनों आपको जो है एक ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड जो ऑटो है और जो पैसेंजर साइड है उसको, और ये जो दिया गया है ऑन और ऑफ, इसको आप उस साइड का जो पैसेंजर साइड का जो मिरर है उसको लॉक करने के लिए ये बटन दिया गया है, लॉक करें ऑन करें तो वो अपनी साइड से भी कंट्रोल कर सकता है। इन्होंने एक ये ट्यूटर दिए हुए हैं डोर पर, इसके अलावा यहाँ पर कंपार्टमेंट नीचे इन्होंने दिया है ड्राइवर साइड पर कि कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है, अगर आप इधर आप मोबाइल रखें, कॉइन्स रखें, कुछ भी रखें, छोटा सा कंपार्टमेंट है। और यहाँ पे जो है इन्होंने ये बटन है फोक के लिए दिया गया है, और ये जो है लाइट की एडजस्टमेंट के लिए, जो हेड लाइट्स हैं उनकी एडजस्टमेंट के लिए ये वाला है। इसका स्टेयरिंग एडजस्टमेंट जो है वो नहीं दिया गया, तो बाकी जो कुछ दिया गया ये भी बड़ी बात है कि इस गाड़ी में इन्होंने ये दिया हुआ है। इसके अलावा जो है यह एशट्रे के लिए उन्होंने दिए हुए एशट्रे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो है 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे दिया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, इस जगह ये बिल्कुल स्पेस खाली है। मैनुअल ट्रांसमिशन में है, ये हैंड ब्रेक हो गई, और यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट नहीं दिया गया। इसके नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट है कि यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं, जो आपका दिल हो वो रखें। और अगर हम पैसेंजर वाली साइड पे आके देखें तो इसका जो है इस मिरर के लिए इधर इन्होंने ये पावर के लिए दिया गया है बटन, और बैक साइड पे जो है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मैनुअल में है जो है मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए। ट्यूटर जो है वो दोनों साइडों पे दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, इसको क्रोम में क्रोम यूज़ हुआ है इसमें, बाकी ये जो है फाइबर टाइप हुआ है, बाकी ये हार्डबोर्ड, ठीक है। ऑटो में इसके लॉक्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इन्होंने केबल लाइट्स दी हुई हैं इस साइड पे, ये मिरर, और इस साइड पे भी ये मिरर, और एक लाइट इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई है। अभी जो है मैंने आपको ये फ्रंट का इसका दिखाया है, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बैक साइड पे ले जाता हूँ और बैक से इसका जो है दिखाता हूँ आपको, और फिर उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। कि बैक साइड पे बैठा हूँ, जो बैक की ये आप स्पेस देख रहे हैं, है तो नहीं स्पेस इसमें, लेकिन जो है बैठने के लिए नॉर्मल है, ठीक है। और जो दूसरी साइड पे इन्होंने एक दिए हुआ है, कुछ भी आपको आप हैंग कर सकते हैं इस जगह इसके साथ, और इसमें इन्होंने बैक पे दो दो जगह रख दी हैं, एक यहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं, इसके अलावा आप ये कुछ ज़्यादा सिक्योर करने के लिए चीज़ को आप इसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। ये इसका डोर पे आप देखिए तो मैनुअल में है इसका मिरर के लिए। ये सीट्स आप देखिए तो इन्होंने बैक के लिए भी ये दो कप होल्डर दिए हैं, फ्रंट वालों के लिए नहीं दिए, बैक वालों के लिए दो कप होल्डर दिए हैं। हेड स्पेस इसकी हेड स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और हेड स्पेस बहुत अच्छी है, गाड़ी भी बहुत खुली है लंबाई के हिसाब से और चौड़ाई के हिसाब से, लेकिन अंदर जो बैठने के लिए है वो स्पेस कुछ कम है, जब मैंने सीट को फुल पीछे किया हुआ है, लेकिन यह है कि तंग नहीं कर रही। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी जो पाकिस्तानी कैरी हैं उनके साथ, तो इसमें बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये इन्होंने सीट बेल्ट जो है वो यहाँ पे इन्होंने इसको टाइट किए रखने के लिए ये रखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इसमें ये पूरी स्पेस है, ये देख रहे हैं, और बाकी जो है वो सीट बेल्ट इसके अंदर है, ये भी अच्छा इन्होंने दिया है, काफ़ी खुली गाड़ी इन्होंने बनाई है। ये अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, देख रहे हैं, ये यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसमें बूट स्पेस बहुत ज़्यादा दी गई है, कि इधर आप अगर बैठ के लूडो भी खेलना चाहें तो यहाँ पे आप इजीली दो
से तीन आदमी बैठ के इजीली लूडो भी खेल सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने एक जगह दी हुई है कुछ भी रखने के लिए, जो पीछे बैठेंगे वो अपने लिए बॉटल्स रख सकते हैं, ये देखें। और पीछे भी इन्होंने ये कैबन लाइट दी हुई है, ये देख रहे हैं बैक साइड पे। ये है बूट स्पेस होंडा वेमस जापानी 2013-2018 की इम्पोर्ट और अप्लाइड फॉर। मुझे तो ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी। ओके गाइस, तो अभी हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। जो इसमें स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन है जैसे, वो मुझे मैनुअल गाड़ियों में फर्स्ट टाइम दिखा है इसमें मैनुअल में, और जो कि मुझे बहुत ही अच्छा ये फीचर लगा है इनका कि आपने गाड़ी को जब स्टार्ट करना है, ये देख रहे हैं अब आप यहाँ पे, अगर हम गाड़ी को ऑन करें तो यहाँ पे गाड़ी ऑन नहीं होगी। तो अब आपने करना क्या है, इसमें जो मुझे अच्छा फीचर लगा है कि ये नीचे दिए गए हैं जी तीन, जैसे मैनुअल में होता है स्पीड, क्लच और ब्रेक। अब मैनुअल में वैसे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें यह है कि आपने क्लच प्रेस करना है और उसके बाद आपने ऑन करना है तो गाड़ी स्टार्ट होगी। जब तक आप इसका क्लच प्रेस नहीं करेंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये मुझे एक अच्छा पॉइंट इनका लगा है। बाकी ये स्पीडोमीटर, इसमें जो ये डिस्प्ले दिया गया है इसमें आपको ये बताते हैं कितनी किलोमीटर चली हुई है। इसके अलावा जो है बाकी ऑप्शंस, अगर आप मोबाइल नया करवाते हैं तो उसको आप ज़ीरो पे कर सकते हैं ताकि आप अपने टाइम पे जो है वो करवाते रहें मोबाइल चेंज, कई लोग रीडिंग भूल जाते हैं। और इसके साथ ये इन्होंने फ्यूल के लिए दिए गया फ्यूल और ये RPM गेज बस। तो आवाज़ में आपको गाड़ी की सुना दूँ, एसी अगर मैं ऑन करूं तो ये एसी पे है और थ्रो आप इसकी देख सकते हैं, सिर्फ मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ये देख, आवाज़ आपको उम्मीद है आ ही रही होगी इसमें जिस हिसाब से इसकी थ्रो है, देख रहे हैं। एसी को करते हैं बंद, ऐसे गाड़ी भी करते हैं बंद। ओके गाइस, तो ये थी होंडा वेमस 2013 मॉडल 2018 की इम्पोर्ट। प्राइस इसकी जो है वो 12.5 लाख रुपए है, डिमांड है, लेकिन जब आप लेने के लिए आएंगे तब वो आपको हम कुछ कंसेशन कर लेंगे, लेकिन नंबर आपने खुद ही लगवाना होगा क्योंकि ये अप्लाइड फॉर, इसका नंबर नहीं लगा हुआ। और जी हाँ जी बिल्कुल, ये गाड़ी पावर स्टीयरिंग में है, पावर स्टीयरिंग में, पाकिस्तानी जो है वो पावर स्टीयरिंग में नहीं होती हैं, तो ये पावर स्टीयरिंग में है और आई लाइक दैट कार सो मच। मुझे जो फीचर अच्छा लगा है वो मैंने आपको बताया है स्टार्ट करने में। दूसरा, मुझे इसकी जो बूट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप वो बाकी दो बैक सीट्स को भी फोल्ड कर लें तो आपके पास और ज़्यादा जो है वो स्पेस बन जाएगी, अगर आप दो ने कहीं सफ़र करना है तो काफ़ी सामान भी आप साथ ले जा सकते हैं। बाकी फैमिली कार के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी जिस तरह आप चाहें वैसे। और इसके अलावा जो है बस, और कुछ अगर आप लोगों ने पूछना हो तो मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे से कोई भी सवाल करना चाहें, पूछना चाहें, जो भी बात पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना तो ना सही, लेकिन मेरी जो ये वीडियो आप बस इसको इन्जॉय किया करें जो भी मेरी वीडियो होती है, ठीक है। और बस अभी मुझे आप इजाज़त दें, मैंने आपको इसकी प्राइस भी बता दिया है, मॉडल भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया है और बस ठीक है। तो मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिस मी, आई एम गोना मिस यू मच मच मोर, लव यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।